वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि क्या सच में लो क्वालिटी विस्की या कोई भी लो क्वालिटी अल्कोहल आपको मैक्सिमम हैंगओवर देता है। फ्रेंड्स, आप शायद एक्सपीरियंस किए होंगे, मैं भी किया हूं, कि आप जो ब्रांड पसंद करते हैं शायद वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, फिर भी आपको ऑल ऑफ सडन हैंगओवर दे देता है। रेगुलर नहीं देता है, सडनली दे देता है। तो ये क्यों? तो क्वेश्चन आता है कि सच में क्या सिर्फ और सिर्फ चीप ब्रांड इसका जिम्मेदार है या और भी कुछ? चलिए, इस वीडियो से आज हम लोग जानेंगे कि आपको हैंगओवर क्यों होता है और आपको क्या क्या स्टेप लेना चाहिए जैसे कि आपका हैंगओवर ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि साइंटिस्ट इसका जो वैलिड रीजन है वो ढूंढ के अभी तक नहीं निकल पाया। मतलब क्यों आपको हैंगओवर होता है ये साइंटिस्ट को भी मालूम नहीं है। प्रॉपर रीजन का मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, काफी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट कुछ पॉइंट्स को हम लोगों के सामने रखा जो बहुत वैलिड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि हैंगओवर हम लोगों को क्यों होता है। एडिशनली, अल्कोहल मेक्स अस यूरिनेट मोर देन यूजुअल। हम लोग बाथरूम ज्यादा करते हैं, व्हिच फ्लैशेस आउट आवर यूजुअल इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लीवर्स डिहाइड्रेटेड। मतलब शरीर में पानी का मात्रा काफी कम हो जाता है। बट और भी वर्स होता है जब एक केमिकल एसिडाल्डिहाइड ब्लड में इंक्रीज होता है। एक्चुअली अल्कोहल को जब प्रोसेस करता है हम लोगों का बॉडी, एज अ बाय प्रोडक्ट ये केमिकल ग्रो करता है हम लोगों का बॉडी में। एसिटाल्डा इज मच स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिव स्वेटिंग, ड्रंकनेस, फीलिंग ड्राउजी और वॉमिटिंग के लिए। बॉडी में वाटर की कमी हो जाने के कारण बॉडी कैन नॉट एक्सपेल द एक्स्ट्रा एसिटाल्डिहाइड एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यू माइट गेट टेरेबल हैंगओवर। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि साइंटिस्ट ने कहा है कि सिर्फ चीप विस्की या चीप अल्कोहल या लो बजट अल्कोहल आपको हैंगओवर नहीं देता है, सिर्फ उसका ही एक कारण नहीं है, काफी सारा कारण है, तो वो भी एक बार जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत डिफरेंट तरीके से हो सकता है, जैसे कि डार्क कॉन्जीनियस स्वीट बबली मिक्सचर, जी हाँ, जो सोडा कोक स्प्राइट अब मिलाते हैं उसके लिए भी हो सकता है। प्योरिटी, जी हाँ, ये एक वाइटल पॉइंट है। साथ में आपका ड्रिंकिंग स्टाइल, आपका बॉडी स्ट्रक्चर एंड ड्रिंकिंग हैबिट, बहुत कुछ इन्वॉल्व है। अगर इस वीडियो का बात करूँ तो प्योरिटी जो है ये पहला नंबर पर आएगा। जी हाँ, हम लोग जो अल्कोहल पीते हैं, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ, चीप अल्कोहल कुछ हद तक आपको तो बिल्कुल हैंगओवर देता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है उसका मेकिंग प्रोसेस और उसका इंग्रेडिएंट्स। अब इनिशियल स्टेज में जब अल्कोहल इवापोरेट होके अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तब मैक्सिमम मेथनल को जनरेट करता है जो हम लोगों का शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। बट मोस्ट ऑफ द चीप कंपनी वो सेपरेट, क्योंकि वो एक अलग सा प्रोसेस है, बार बार डिस्टिल करना पड़ता है, और जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज नहीं करता है, मतलब चीप कंपनीज नहीं करता है, और इसीलिए आपका शरीर में वो काफी इफेक्ट भी करता है। नाउ सेकंड पॉइंट पे मैं बोलूंगा कॉन्जेनियस। कॉन्जेनियस क्या है एक बार जानते हैं। अल्कोहल को बनाने के लिए कोई भी शुगर कंटेनिंग लिक्विड को फर्मेंट करना पड़ता है, विच क्रिएट्स इथाइल अल्कोहल एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और एक केमिकल जिसको बोला जाता है कॉन्जेनियस। आप उसको फिजल ऑयल भी बोल सकते हो, जो एक्चुअली इम्प्योरिटीज है। फिजल ऑयल या कॉन्जेनियस एक स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अल्कोहल है जो हम लोगों का बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाता है जब हम लोग पीते हैं उस अल्कोहल को, और जिसके कारण हम लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। एक्चुअली कॉन्जेनियस एक डिस्टिंक्ट टेस्ट अपना अल्कोहल में ऐड करता है, जैसे कि विस्की, ब्रांडी और जैसे कि डार्क रम, स्पेशली जो अल्कोहल को एज किया जाता है उसको, क्योंकि ओवर द टाइम ये कॉन्जेनियस और भी डेवलप्ड होता है, और ये डिस्टिंक्ट टेस्ट के चलते कोई भी कंपनी, यानी मोस्ट ऑफ द कंपनी, उस कॉन्जेनियस को डिस्टिलेशन के थ्रू हटाना नहीं चाहता है, और वो रखना चाहता है अपना अल्कोहल में, क्योंकि वो जो फ्लेवर, वो जो फ्रेग्रेंस आपको मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्जेनियस की चलते ही आपको मिलता है। 2006 में हॉलैंड में एक रिसर्च के दौरान पाया गया है, डार्कर अल्कोहल विथ मोर कॉन्जेनियस टेन टू कॉज वर्स हैंगओवर। ये भी देखा गया है वाइन और बियर के मुकाबले डार्क स्पिरिट ज्यादा हैंगओवर देता है। नाउ थर्ड पॉइंट पे मैं आपको बोलूंगा कि स्वीट बबली मिक्सचर, ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स के साथ अल्कोहल को पीते हैं,
ये काफी हद तक जिम्मेदार है आपको जल्दी जल्दी इंटॉक्सिकेट करने का और साथ साथ आपको जल्दी हैंगओवर भी दे सकता है। 2007 में एक स्टडी के दौरान पाया गया था मिक्सिंग सोडा विद वोडका इंक्रीज अल्कोहल लेवल हाई इन द ब्लड स्ट्रीम एज कंपेयर टू दोज हु ड्रंक वोडका विद वाटर। जैसे जैसे आप ज्यादा पीते रहोगे द बबल्स कॉज द स्टमक टू रिलीज इट कंटेंट्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर अल्कोहल मोस्टली एब्जॉर्ब होके क्विकली ब्लड स्ट्रीम में घुल मिलने लगता है एंड शुगर ऑल्सो प्ले अ बिग रोल इन द रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन। कॉमनली कोल्ड ड्रिंक्स में हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज रहता है जो इफेक्ट देता है बॉडी में गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग का जहां से अल्कोहल एब्जॉर्बेशन रेट काफी बढ़ जाता है। और 4, 5 और 6 नंबर पॉइंट पे मैं आपको बोलूंगा जैसे कि आपका ड्रिंकिंग स्टाइल आपका फूड हैबिट और आपका बॉडी स्ट्रक्चर ये भी काफी हद तक जिम्मेदार होता है आपको जल्दी जल्दी हैंगओवर देने के लिए क्योंकि ये भी मिला जुला है। आपको अगर प्रॉपरली जानना है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूँ जो आई बटन में क्लिक हो रहा है वहां पर जाके आप देख सकते हैं। काफी कुछ यू नो रिस्पॉन्सिबल रहता है आपको हैंगओवर बनाने के लिए। तो कैसे छुटकारा पा सकते हैं आप हैंगओवर जैसा भयंकर प्रॉब्लम से? और आसान तरीके से मैं आपको बोलूं तो 3 पॉइंट्स हैं जो साइंटिस्ट ने बताया है और वो है कि आपको मॉडरेट ड्रिंकिंग करना है। अगर आप सच में ज्यादा अल्कोहल पी लिए इंटॉक्सिकेटेड हो गए देन 2 चीज और काम करेगा। एक है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वाटर पीना पड़ेगा क्योंकि डिहाइड्रेशन में हम लोगों का वाटर की कमी के चलते ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आपका वाटर का बैकअप प्रॉपर होना चाहिए। और साथ साथ मैं आपको बोलूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है अपना बॉडी को मतलब रेस्ट देना है अपना बॉडी को जैसे कि जो अल्कोहल वो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं आप उसको ब्रेक डाउन कर पाए और ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप फील करते हैं ज्यादा इंटॉक्सिकेशन तो आप ज्यादा करके टाइम दीजिए थोड़ा रेस्ट लीजिए कहीं सो जाइए तब जाके आप इस हैंगओवर को थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते हैं। देखिए इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है जैसे कि मैं आपको पहले बताया था मगर ये जो टोटके हैं ये काफ़ी काम आता है तो आगे से ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। याद रखना चेस नहीं करना है करना है। जय हो।